नमस्कार, मैं सियाजे और आप देख रहे हैं टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज जो मेरे पीछे ही आप किचन देख रहे हैं, ये यू शेप किचन है और इस किचन में ये बास्केट लगाई हुई है, बास्केट लगा चुके हैं। तो मैं अभी आपको ये बास्केट लगाने का और वर्टिकल खड़ा करने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें क्या क्या दिक्कत आता है, क्योंकि जब ये यू शेप होता है ना तो इसका कॉर्नर है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है। कॉर्नर में बहुत ही सावधानी से और बहुत सोच समझ करके काम करना पड़ता है, नहीं तो कॉर्नर में जाके लोचा पड़ी जाता है। ये कॉर्नर है वो बहुत सोच समझ के करने वाला काम है, इसलिए कॉर्नर में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, वो आप ध्यान से देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो कभी इसमें गलती नहीं हो पाएगी। अब जो बास्केट लगाने का सही तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी आपको उसमें उसके बाद में दिक्कत आने वाली नहीं है। तो पहले तो सबसे पहले जो वर्टिकल खड़े करने हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको वर्टिकल है उसके बारे में आपको दिखाता हूँ और पूरा मैं बताता हूँ। तो देखिए अभी ये जो वर्टिकल खड़ा किया हुआ है, देखिए इसको सबसे पहले हमको ये देखना होता है कि इसको हम लेवल में खड़ा करें। हमेशा कभी भी इसका ध्यान रखें कि ये लेवल में ही खड़ा रहे। देखिए ये बिल्कुल लेवल में है तो ये सीधा रहेगा। और इसको सबसे पहले नीचे है वो मार्क, यहां से हम अपना जो भी राइट एंगल होता है राइट एंगल लगा के इसको राइट एंगल में इस तरह से, ये जो इसका ये वाले नीचे का धार होता है इसमें हम राइट एंगल लगा के इसको इस तरह से हम राइट एंगल में लगा के इसको सीधा देखेंगे, ताकि ये राइट एंगल में, पहले तो इसको राइट एंगल देखेंगे और फिर इसको हम लेवल में देखेंगे, तो ये बिल्कुल अपना सही में आएगा। क्योंकि जो इसका दरवाजा या जो भी आना है वो इस धार के साथ में आएगा, तो इसके साथ में इसका राइट एंगल होना भी जरूरी है। और ये वाला सीधा वर्टिकल जो है वो स्प्रिट लेवल में या सोल में कह लीजिए, उसको सीधा ऐसे खड़ा करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अब इसके बाद में आते हैं जो बास्केट है ये वाली, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो ये कॉर्नर देखिए ये बना हुआ है, क्योंकि कॉर्नर है वो जब इस तरह से होता है तो वो काम में आए इस तरह से हमको बनाना होता है। तो कॉर्नर के लिए जो मैं आपको दिखा दूं, देखिए इस तरह से ये कॉर्नर बनाया हुआ है। अब ये वाला जो है मैंने इधर रखा है 1.5 इंची, इसको आप 1.5 इंची से ज्यादा भी रख सकते हैं, इसको 2 इंची 2.5 इंची 3 इंच तक भी आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों बाजू में, क्योंकि यहाँ पे एक साइड में बास्केट आ रही है और एक साइड में इधर मैंने बड़ा शटर लिया हुआ है, आप ये देखिए, क्योंकि ये बड़ा जगह होगा तो अंदर से सामान मटेरियल लेने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक ऐसा ही, क्योंकि ये जो सामने का जो फ्रंट का फेस है, मैं आपको दूर से थोड़ा दिखा देता हूँ, पहले देखिए ये वाला जो फ्रंट का फेस है इसमें आप देख रहे हैं मैंने बीच में सेंटर में एक बास्केट की लाइन ली है और दोनों बाजू में दो बड़े शटर दिए हैं, क्योंकि दोनों बाजू में सामान लेने में अभी कभी कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। अगर यहाँ पे जगह छोटी हो जाएगी तो फिर अंदर कॉर्नर में सामान लेने में बहुत तकलीफ पड़ती है, इसलिए ये ध्यान रखें कि शटर है वो कम से कम यहाँ पे 18 इंच का या 16 इंच का कम से कम शटर, कोने में अगर इस तरह से कोना बन रहा है तो उसमें इतना तो 16 इंच का तो कम से कम शटर होना ही चाहिए। और अगर इससे कम जगह आ रही है तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे ये मैंने बनाया हुआ है, अगर इससे कम शटर इधर आ रहा है तो एक तो हम एक शटर के ऊपर शटर बनाते हैं, उस तरह का शटर बनाना पड़ता है, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल चीज़ नहीं है, इसलिए उससे हो सके तो उससे बचे। इससे अच्छा है कि ये वाला जो सेल्फ, ये मैंने जो वर्टिकल खड़ा किया है इसको ना लगा के ये दोनों बाजू में एल ही बना दें, यहाँ पे दोनों साइड से खुला रख दें, तो वो इधर से भी यूज हो पाएगा और इधर से भी यूज हो पाएगा, दोनों साइड से इसको हम यूज कर सकते हैं, तो उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब बास्केट जो है, जैसे ये बास्केट है, बास्केट की चैनल लगाने के लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरीके से चैनल लगाएंगे, तो कभी भी आपको चैनल लगाने में और फिर बाद में उसके जो उसका माथा है, फेसिया जो है, उसका हेड जो यहाँ पे लगाना होता है, उसमें भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चैनल लगाएंगे ना, चैनल को हमेशा लेवल में लगाएंगे, कभी भी है वो माप से ना लगाएं, चैनल को हमेशा ऐसे लेवल रख के इसको देख लें कि चैनल जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल लेवल में लग रही है कि नहीं लग रही है। चैनल को लेवल में, यहाँ से अपने को जो भी माप लेना है जगह छोड़ना उसका एक जगह से माप ले लें, बाकी उसको लेवल में, आगे लेवल में जरूर देखें, ताकि लेवल में देखेंगे तो जो सामने का फेस है ये वाला, इसमें जो भी अपना फेसिया आएगा
जो भी इसका माथा आएगा वो बिल्कुल इसके लेवल में आएगा और अपनी बास्केट बिल्कुल सीधी रहेगी, नहीं तो क्या बास्केट आगे से अगर नीचे या थोड़ी बहुत भी ऊपर हो जाएगी तो जब हम दोनों बास्केट को इस तरह से हम खोलते हैं ना और जब इसका माथा लग जाएगा तो वो माथा आपस में टकराता है थोड़ा बहुत भी होगा तो। अब इसका जो ये मैंने स्पीड लेवल में इसको बिल्कुल लेवल में कर लिया तो इसका माथा है वो कभी भी आपस में टकराएगा नहीं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक दूसरा वीडियो मैं आपको इसका बना करके दिखाऊंगा कि देखिए जो मैंने बनाया उसमें किस तरह से जो खोलेंगे चाहे दो तीन खोलेंगे तो वो भी वो पीछे आके उसका माथा है वो आपस में टकराएगा नहीं, इसलिए इसको लेवल में लगाना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आप जो भी मार्क है वो जैसे मैंने ये वाला मार्क किया हुआ है और नीचे ये वाला मार्क किया, यहाँ से मैंने एक लाइन है वो सीधी पट्टी लेके और उस पर स्प्रिट लेवल रख के और फिर उसका लाइन मैंने लगा लिया ताकि ये वाली चैनल जो लगेगी वो बिल्कुल लेवल में लगेगी और फिर उस जो लाइन आती है उस पर दो कील हम लगा के चैनल को उस पर रखेंगे और आराम से स्क्रू लग जाएंगे। इसके लिए ये सामने का फेस है, इसका भी ध्यान रखना है कि ये वाला भी बराबर आए, तो इसके लिए हम कोई भी है वो ये लगाने के चैनल पहले इसमें डाल के और चैनल समेत स्क्रू लगाने से पहले इसको डाल के देखें। और सामने एक लंबी पट्टी है वो इस तरह से हम पूरा लंबी पट्टी है तो छोटी है लेकिन यहाँ से यहाँ तक आ जाए इतनी पट्टी लगा के सामने देख लेंगे ताकि वो वाली जो है पता चल जाए कि अंदर बाहर कितना है। और उस जगह से फिर यहाँ पे हम जो चैनल का ये वाला हिस्सा है यहाँ पे मार्क लगा लेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि हमारी चैनल यहाँ पे आने वाली है। तो इस तरह से ये वाली जो मैंने चीजें बताई हैं इसको अगर ध्यान में रखेंगे, ये कॉर्नर है यू शेप में, ये वाला स्पेस यूज करना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए हमको दोनों साइड में अगर यहाँ पे हमको एक लाइन बास्केट की और देनी पड़ती तो फिर हमको ये वाला साइड का दोनों साइड का ये है ये वाला ये निकालना पड़ता है क्योंकि इधर तो बास्केट है तो हम निकाल नहीं सकते थे तो इस बास्केट को हमको फिर चेंज करके ये साइड में लेके आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ये वॉश बेसिन है सिंक है सॉरी तो सिंक है तो सिंक की जगह पे है वो हमेशा यही करते हैं कि बास्केट थोड़ा उससे दूर ही रहे इसलिए मैंने बास्केट है वो उधर ली है। लेकिन अगर वो वाली जगह अपने को एक लाइन और लेनी पड़ती तो फिर इनको इधर अपने को लेना पड़ता इस तरह से हमें बनाना पड़ता। तो इस तरह से ये वाली चीज़ें मैंने बताई, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो में सीखने को मिलेगा कुछ और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, लोगों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।